दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ योगेश वोल्टा SDPO परवानू है और साथ ही ASI जवाहर है जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज है। मैंने सबातू आने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि सबातू एक पुराना ऐतिहासिक टाउन है और अंग्रेजों के टाइम में जो मेन शिमला को मेन लाइन जो है मेन ट्रांसपोर्ट का सेंटर ये था और यहाँ पहले अम्बाला में, फिर कालका में, फिर सबातू में, फिर शिमला में ब्रेक होते थे। किसी कारणवश जब कालका शिमला रेलवे लाइन बनी और जो हाईवे बना वो सबातू से दूर बना, जिसके कारण धीरे धीरे सबातू की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। आपने देखा होगा कि यहाँ पुलिस स्टेशन 1884 में बना था, लेकिन इस शहर की इम्पोर्टेंस घटती घटती ऐसे हो गई कि 1955 में ये पुलिस चौकी में डाउनग्रेड हो गया। ये जो भवन अंग्रेजों ने बनाया बहुत अच्छा है और 100 साल से ज्यादा से चल रहा है। आज पहले मैं गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में गया और मैंने इनके जो कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर HS संधु, कर्नल पुन और बाकी अधिकारियों के साथ भी इंटरेक्शन किया और मैंने इनकी ट्रेनिंग का जो सिलसिला है, जो अरेंजमेंट देखा। और हिमाचल के लिए बड़े गर्व की बात है कि 14 GR का जो ट्रेनिंग सेंटर है सबातू में है और भारतीय सेना की बड़ी टॉप रैंकिंग की रेजिमेंट है और इसने काफी विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र वगैरह इसने पाए हैं। साथ के साथ जनरल मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत और जनरल सेवक जैसे जनरल भी देश को दिए हैं। हम उनका ट्रेनिंग का सिलसिला देख के आए और कुछ चीज हम उनसे सीख सकते हैं क्योंकि उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, ड्रिल है, फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स है, फायरिंग है, उसकी जो व्यवस्था है हिमाचल पुलिस से बेहतर है। हमने ये निर्णय लिया कि हम उनके साथ संपर्क रखेंगे और कुछ कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी करेंगे गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के हम रिक्रूट्स को, जवानों को जो ट्रेनिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। अभी मैं पुलिस पोस्ट में आया हूँ और क्राइम जनरली अंडर कंट्रोल है और जितने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है वो होना चाहिए वो है, लेकिन दो इन्होंने दिक्कतें मेरे को बताई है जिसमें हम काम करेंगे। एक तो वाहन की व्यवस्था, रिलायबल व्हीकल नहीं है और एरिया काफी है, रूरल एरिया है। दूसरा है यह स्टाफ क्वार्टर्स नहीं है। प्रॉब्ली अंग्रेजों के टाइम में क्योंकि अंग्रेज स्टाफ रहता था वो कैंटोनमेंट में रहता था, आज के दिन में स्टाफ क्वार्टर्स नहीं है। मेरे जहन में दोनों चीजें आ गई और इसका हम समाधान करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले दिसंबर महीने में मैं कसौली भी गया था, कसौली थाने का भी निरीक्षण किया था, धर्मपुर थाने का भी निरीक्षण किया था, उसके बाद परवानू का भी हमने किया। तो ये पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट में जाके और लोगों से मिलके मेरे को अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे पुलिसिंग इम्प्रूव हो। मैंने यहाँ के स्टाफ के साथ इंटरेक्ट किया और उनसे पूछा कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो सब खुश नजर आए। लेकिन जो दो चीजें हैं, एक तो व्हीकल की कमी, रिलायबल व्हीकल की कमी, और दूसरा है कि यहाँ स्टाफ के लिए क्वार्टर्स नहीं है
उसकी हम व्यवस्था जल्द कर। वी विल एक्ट एज पर लॉ, कानून अपना काम करेगा और कानून जिस रास्ते पे चलेगा, एविडेंस बेस उस पे चलेगा। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो इट विल अमाउंट टू प्री जजिंग और प्रेजुडिसिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मैं अपना फैसला पहले तो नहीं दे सकता, लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उसमें काम होता रहेगा। ये ट्रेडिशनली भी हिमाचल शांत प्रदेश था और उसमें एक तो बेसिकली तो जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है, ज्योग्राफिकल प्रोफाइल होता है स्टेट का, जिसमें जनता भी होती है, क्षेत्रफल भी होता है, अर्बनाइजेशन भी होती है, उसका काफी योग है। हमारा जैसे पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ चल पड़ता है, कई चीजें होती है उसमें। लेकिन हमारी पुलिस भी अच्छी पुलिस देश की उभर के आई है और हाल ही में आपने देखा होगा हमने राष्ट्रीय स्तर पे बड़े इनाम जीते हैं हमने। और फार्मर्स रजिस्ट्रेशन में मेरा यही कहना है कि लोगों ने भी बड़ा धैर्य रखा और हमारी पुलिस ने भी मुस्तैदी से काम किया, जिसकी वजह से हमारा ही स्टेट है नॉर्थ इंडिया में जो अभी पीसफुल है। अदरवाइज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो हो रहा है या वेस्टर्न यूपी में आप जानते ही है। तो लार्जली तो ये लोगों का है और जो पुलिस फोर्स है वो लोगों से ही बन के आती है और हमारा तो काम खाली उसको ट्रेन करना और उसको प्रोफेशनली डिप्लॉय करना है। लार्जली तो ये श्रेय लोगों को जाता है और प्रोफाइल भी ऐसा है जैसे हमारे भूगोल का भी प्रोफाइल है, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र है, पंजाब का मैदानी इलाका है, घने आबादी वाले शहर है, तो उसका भी फर्क है। जो स्कैटर्ड है कि जो जो मिलिट्री कंटोनमेंट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है, इसकी तो हम जैसे इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का काम तो हम कर ही रहे हैं, यह नहीं है। हमारे काफी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जैसे कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इसमें भी है जो सीमा के साथ लगते हैं, वहां भी हमारी मुस्तैदी कंटिन्यूस रहती है और हमारी इंटरेक्शन भी इनके जो अधिकारियों के साथ रहती है। अभी 12 तारीख को ही हमने लीड इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब वो इंटेलिजेंस शेयरिंग मीटिंग मेरे अंडर हुई थी, जिसमें आर्मी, ITBP, CISF, NCB, ED सब के अधिकारी आते हैं। तो हर महीने हम राज्य के लेवल पे मेरे अंडर होती है और रेगुलर इंटरेक्शन जमीनी स्तर पे होता रहता है। इन्वेस्टिगेशन केसेस तो हम कर रहे हैं कि 20% से प्रेगनेंसी कम होनी चाहिए, पर मुझे बड़ी खुशी है कि ये 20% से भी हम कम करते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं, जो लंबित मामले हैं, आप देखेंगे कई सालों में तो यहाँ शून्य ही हो गए और कुछ में तो बिल्कुल ही निम्न के हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हम अदालत में केस भेज सके ताकि अदालत इसका फैसला कर सके। लेकिन साक्ष्य आपके सामने ही है, हमारा इस तरफ काफी काम हुआ है और आज के दिन में पेंडेंसी में हमारी काफी। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।